हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश। आप लोग देख रहे हैं एक्स वाई टेक्निकल। एक्स वाई टेक्निकल में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि जियो नंबर का कॉल हिस्ट्री आप लोग अपने फ़ोन में कैसे निकालेंगे। अगर अपना जीएफ का कॉल हिस्ट्री अपने फ़ोन में निकालना चाहते हैं तो आप लोग उसका कॉल हिस्ट्री आप लोग अपने फ़ोन में देख सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर बात कर रही है। बात करके डिलीट कर दे रही है, फिर भी आप लोग अपने फ़ोन में उसका टोटल हिस्ट्री देख सकते हैं। या बॉयफ्रेंड का हो या किसी भी जियो नंबर का कॉल हिस्ट्री निकालना चाहते हैं तो आप लोग इजीली से अपने फ़ोन में कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हैं। आप लोग ऑलरेडी आपको बता दें कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में कोई सिम नहीं है, तो यहाँ पे हम आपको जियो नंबर का कॉल हिस्ट्री निकाल के दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, सबसे पहला प्रोसेस है कि आपको प्ले स्टोर में जाके जियो माई जियो ऐप जो एप्लीकेशन है उसको वहाँ से जाके आपको डाउनलोड कर लेना है। माई जियो ऐप को डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, उसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद उसको लॉगिन कर लीजिएगा। उस नंबर से लॉगिन कीजिएगा जिस नंबर के आप लोग कॉल हिस्ट्री निकालना चाहते हैं। आपका गर्लफ्रेंड के अगर नंबर का कॉल हिस्ट्री निकालना चाहते हैं तो उनका नंबर वहाँ पे डालिएगा। उसके बाद उस पर ओटीपी जाएगा, उनसे ओटीपी मांग के उसको सबमिट कर लीजिएगा। उसके बाद सबमिट करने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पे माई जियो ऐप जो है यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। जैसे लॉगिन हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे नीचे में यहाँ पे आप लोग देख पा रहे मेनू के ऑप्शन दिया गया है राइट साइड में। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा को जो दिखा दे, यहाँ पे मेनू के ऑप्शन दिया गया था, आपको क्या करना है, मेनू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। होने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे में जाना है। नीचे में जाने के बाद बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, मोबाइल रिचार्ज, रिचार्ज फोर माई प्लान, सेटिंग माई यूज। यहाँ पे व्यू मोड का ऑप्शन है, यहाँ पे देख पा रहे थे, आपको क्या करना है, व्यू मोड वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे कुछ इस तरह का है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टेटमेंट, तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पे इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको बता दें कि सबसे ऊपर में यहाँ पे आपको तीन ठो ऑप्शन दिया गया है, 7 दिन का, 15 दिन, 30 दिन। आप लोग कितना दिन का यहाँ पे कॉल हिस्ट्री निकालना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करके इतना दिन का, 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन अभी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे 180 दिन का कॉल हिस्ट्री आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। पीछे वाला डेट की अगर निकालना चाहते हैं तो 6 महीना तक आप लोग कॉल हिस्ट्री इसका जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आपको अगर पीछे के 6 महीने के निकालना है तो यहाँ पे कस्टम डेट दिया गया है, तो यहाँ पे क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्रॉम डेट पे क्लिक करके जो महीना के आप लोग निकालना चाहते हैं 30 दिन के ही निकलेगा, जिस महीना को निकालना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। नीचे वाला भी अगर आपको, जैसे हम दिसंबर के निकालना चाहते हैं, दिसंबर से लेकर जनवरी तक, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद ईमेल स्टेटमेंट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे नीचे में, तो आपको क्या करना है, ईमेल स्टेटमेंट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी, जैसे हम अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देते हैं, आपको ईमेल आईडी से भी निकाल के दिखा देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। जैसे हम लोग सबमिट करेंगे यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद क्या होगा, जो कॉल हिस्ट्री होगा 1 महीना का, पीछे वाला 6 महीना का कॉल हिस्ट्री मेरे ईमेल पे आईडी पे वो तुरंत आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से इस तरह से यहाँ पे इनका कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हैं। अगर 30 दिन का अभी निकालना चाहते हैं हम लोग, क्या करेंगे, 30 दिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख पा रहे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 ठो ऑप्शन है, ईमेल स्टेटमेंट, डाउनलोड, व्यू स्टेटमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिसे हम लोग इसमें डाउनलोड वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे इस पर सेलेक्ट करेंगे हम, 30 दिन में सेलेक्ट कर लिया, डाउनलोड स्टेटमेंट के ऑप्शन आ रहे हैं नीचे में, तो हम लोग क्या करें, डाउनलोड स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, 2-4 सेकंड वेट कर लेना है। लोडिंग लेने के बाद आपको यहाँ पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, पीडीएफ में इसको ओपन कर लेना है। जैसे इसमें ओपन कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। जियो नाम किसके नंबर से होगा टोटल यहाँ पे हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। कुछ नंबर जो है इसको हम ब्लोर कर देते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे में चले जाना है। जैसे स्क्रॉल करके नीचे में जाइएगा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि किस नंबर से कितना देर बात हुआ। चलिए हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। जूम करने के बाद आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा जिस नंबर से जिस डेट में यहाँ पर जिस नंबर से जिस डेट में यहाँ पे बात हुआ है, यहाँ पे डेट वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पे कौन सा नंबर है, यहाँ पे नंबर वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पे यूज सेकंड देख सकते हैं कितना सेकंड बात हुआ है। तो इसको मिनट में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1060 सेकेंड इसने इतना सेकंड बात हुआ है। तो इस नंबर से कॉल हिस्ट्री इस तरह से आप लोग माई जियो ऐप से किसी भी नंबर का कॉल हिस्ट्री टोटल देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरा मेल पर यहाँ पर जीमेल जो है यहाँ पर जो मेल जो पीछे के 6 महीने वाला जो किए थे यहाँ पर आ चुका है। जैसे हम इसको ओपन करेंगे
यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं मेरे मेल पर यहाँ पे आ चुका है, तो स्क्रॉल करके थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पीडीएफ फाइल में आया, तो इसको हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये डाउनलोड होगा, डाउनलोड जब तक 100% हो रहा थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, तो फिर से पीडीएफ में इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ओपन करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे हम वेट कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग पीछे के 6 महीना के भी कॉल हिस्ट्री इस तरह से अपना ईमेल आईडी पे मंगा सकते हैं। उनका कॉल हिस्ट्री है जो दो यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिस नंबर से बात हुआ है, तो इस तरह से आप लोग कॉल हिस्ट्री कितना सेकेंड कितना मिनट बात हुआ है, तो इस तरह से आप लोग किसी भी जियो ऐप का कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो